यार ये अजीब है, ये दिस पर्सन इज स्टेयरिंग एट मी राइट नाउ लाइक। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज नूर मनु, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी रमजान मुबारक। आई होप इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस सानू खुशी मिले, कोई रूहानी सुकून आए। बहरहाल इट्स करंटली अराउंड 6 o'clock, अभी एज यू कैन सी सनसेट पीछे। तो अफ्तारी में अभी थोड़ी सी देर रह गई है, आई एम गोना गो मेक सम अफ्तारी एंड आई वांट टू शो यू स्पेशल किस्म के मिर्ची वाले पकौड़े, फुल स्पाइसी। कमज़ोर दिल हजरात ना देखे एंड लेट्स डू दिस। ओके जी, सो फास्ट ओपन कर लिया है हमने और आई डोंट नो इफ यू सॉ बट आई वाज ट्राइंग सम रोल्स वगैरह एंड एकदम नाल दौरा पे है, हाथ जाग कढ़ाई ते लग गया है मेरा। अच्छा उस वक्त ना महसूस नहीं होता, व्हेन इट हिट्स यू आपको जलन होती है एंड देन फॉर अ सेकंड यू लाइक नो कुछ ठीक हो जाएगा, पानी लगाते हो आप, नमाज वगैरह पढ़ ली, देन आई सॉ इट डेवलप, मतलब रेड रेड आ रहा था निशान, आई वाज लाइक यू नो दिस इज मेस्ड अप। तो बाहर टूथपेस्ट लगाई हुई है इस पे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई होप कि ठीक हो जाए, इतना ज़्यादा नहीं था वैसे। खैर तो सीन ये है कि माई रूटीन इज़ वेरी मेस्ड अप, आई स्लीप एट 5 AM आफ्टर सैरी and I wake up at 1:30 PM which is a problem because my class is at 1 o'clock. So नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल I join late but I pray to God के अल्लाह करे कि मैनू यदि फारसी समझ आ जाए, वरना मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मतलब कुछ I literally haven't learned, अब ऐसा कहना नहीं चाहिए but like कुछ solid मुझे समझ नहीं आया ऑनलाइन क्लासेस की ना, क्योंकि आप फ़ोन कहीं रख दो और वो नाम आपका लगा होता है तो टीचर को लगता है आप हो, और हमारी कॉम इस तरह की है कि भाई मिस कह रही है एनी वन वॉन्ट्स टू आंसर, एनी वन टेक अ गेस टेक अ, कोई जवाब नहीं देता आपको। हमारी क्लास में 70-80 बच्चे हैं लॉ की एंड हार्डली 10-15 ज्वाइन एंड इट्स क्वाइट अ शेम, उसमें से भी 10 जो हैं वो छुप रहते हैं और 5 जो हैं वो 5 में से 3 बोलते हैं या 2 चैट में लिखते हैं, बिकॉज आई डोंट नो सब सो रहे होते हैं या किसी को जवाब वाकई में नहीं देना होता, बिकॉज देयर लीस्ट इंटरेस्टेड। एक मैंने आजकल बड़ी इमोशनल सी मूवी देखी, इट्स कॉल्ड मिरेकल इन सेल नंबर 7, आई हर्ड लॉट अबाउट इट और मैंने फिर आखिर देख ली एंड ट्रस्ट मी आधी ज़्यादा फिल्म तो मैं रो ही रही थी, इट वॉज़ लाइक वेरी इमोशनल। अब मिथ जैसा इंसान जो पत्थर है वो रो सकता है, तो आप इमेजिन कर लें फिर ए फिल्म की सी, यू मस्ट वॉच इट इफ़ यू लाइक
इमोशनल फिल्म बेसिकली. ओके जी, दैट इज इट फॉर द व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई जस्ट वॉन्ट गिव अ बिग थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट आई गॉट ऑन माई लास्ट व्लॉग. ये दरअसल ना एक वेकअप कॉल थी, बिकॉज यू आर ऑल हेयर, यू आर सब्सक्राइब, यू वॉच माई वीडियोज, बट नो लाइक नो कमेंट. ठीक है, तुझे लिफ्ट नहीं कराते सानू. सो ये एक वीडियो बनानी पड़ी ताकि आप लोग को एहसास हो, एंड इट वर्कड आई गेस. या आई होप कि अब व्यूज़ आना शुरू हो जाए. ना भी आए, आई स्टिल बी हियर इंशाल्लाह टिल द एंड, बिकॉज आई रियलाइज्ड समथिंग. मैं अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट यू गाइस आर वाचिंग, आई पुट दिस आउट इन द इंटरनेट, दुनिया देख सकती है, बट कल को वन आई बी समथिंग, आई हैव करियर कुछ है, आई लुक बैक एट ऑल दिस फनी थिंग्स, ये एटीट्यूड, ये बदमाशी, ये नाटक, ये नौटंकी, तो आई विल बी लाइक यार ये भी दिन थे जवानी के. मतलब कितने लोग होंगे जिनके पास ये वीडियोस होंगी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, यू नो, इन अ कंपाइल्ड इन सच फॉर्म्स. सो या एज लॉन्ग एज यूट्यूब लिव्स, एज लॉन्ग एज आई लिव, इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यूइंग टू मेक वीडियोस. तो देखते हैं कहाँ लेके चलता है हमें ज़िंदगी का सफ़र. उस दिन मुझे कमेंट आई यूट्यूब पे, आई जस्ट वांटेड टू रीड इट आउट फॉर यू गाइस. इट वाज समथिंग लाइक, दो यू हैव लेस व्यूअर्स बट यू हैव सिलेक्टेड अ डिसेंट क्लास हु फॉलो यू, यू आर नॉट वल्गर, यू आर नॉट इनडिसेंट, सो वी लाइक योर स्टाइल, थैंक्स नॉट टू क्विट. आई होप आई विल बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद योर व्लॉग्स, मोर पावर टू यू. तो ये मतलब जहाँ तक मुझे याद है तो ये कमेंट थी, और मतलब बाकी बेशुमार ऐसी कमेंट थी भाई अल्लाह जो मुझे बहुत पसंद आई थी. बट या आई जस्ट वांट थैंक यू गाइस. वो कहती है ना अदनान भाई ने क्या खूब कहा है कि कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, चैनल को सब्सक्राइब करा दे.